जिस पर शैदा हैं आज भी कलियां, कुछ तो बात है नीरज के गुनगुनाने में। हिंदी कविता के सूर्य, हिंदी कवि सम्मेलनों के महाकवि, गीतों के राजकुमार, पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज की अंतिम विदाई अलीगढ़ नुमाइश पंडाल के मैदान में हुई। उनके पार्थिव शरीर को लोगों के बीच लगभग 3:45 बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। देश दुनिया से बहुत सारे उनके चाहने वाले इस पंडाल में उपस्थित हुए, वही पंडाल जिसमें लगभग 40-50 वर्षों से पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज की उपस्थिति रहा करती थी। उनके चाहने वाले, उनके श्रोताओं की सबकी आंखें नम थी अपने इस राजकुमार को विदाई देते वक्त। नीरज जी अक्सर कहा करते थे, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस सिर्फ इतनी बात है किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। देखिए उनकी अंतिम समय की कुछ झलक। तो एक प्रकार से कि बड़े चिंतक थे, बहुत ही कहना चाहिए कि वो दार्शनिक थे, कवि तो थे ही थे, वो कवि दार्शनिक हुआ करता है। तो इस रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई एक खुली किताब की तरह से थी। जब भी हम गीत लिखने बैठेंगे तो एक बार कहीं ना कहीं नीरज जी जरूर याद आएंगे हमें। एक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अफसोस आज प्रेम के सूरज नहीं रहे, अफसोस आज प्रेम के सूरज नहीं रहे, कविता बिलख रही है धीरज नहीं रहे, कविता बिलख रही है कि उसको धीरज बनाने वाला कोई नहीं है। नायाब गीतकार का अंतिम सफ़र हुआ, नायाब गीतकार का अंतिम सफ़र हुआ, गीतों गज़ल के रहनुमा नीरज नहीं रहे। कचहरी से कभी गुजरे, कभी थानों से गुजरे हैं हमारे ख्वाब, जाने कितने तूफानों से गुजरे हैं। विजय का हार उनके ही गले डाला है दुनिया ने, जो पूरे हौसले के साथ मैदानों से गुजरे हैं। प्रशस्ति स्टूडियो की ओर से हिंदी कविता के नक्षत्र पद्म विभूषण गोपाल दास की नीरज को विनम्र श्रद्धांजलि।